गुड मॉर्निंग सावी ट्रेटर में आपका स्वागत है। आज देखते हैं आप पढ़ाएँ आपको पैरामीटर माने परिमाप। आज देखिए परिमाप क्या है। परिमाप, पर माने पूरा, कोई क्षेत्र है आयत है चतुर्भुज कोई चीज़ है उसके आप पूरे चारों का माप जो होती है वही उसके परिमाप होती है, इसे बनता है पैरामीटर, परिमाप है। आइए देखते हैं पहले क्या है परिमाप में। सबसे पहले रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टी ए एन जी एल ई रेक्टेंगल। सबसे पहले है नंबर एक परिमाप में आयत का परिमाप क्या है। आयत का परिमाप आयत का परिमाप आयत हमारे यकीन ध्यान लीजिए आयत में दो भुजा बराबर होती है, दो भुजा होती है, जैसे ये हो गया ए बी सी डी चार भुजा है तो ए बी बराबर सी होता है। क्या होता है इसमें ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी। ठीक, तो इसका एक सूत्र होता है फार्मूला, फार्मूला होता है दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, इसका फार्मूला होता है आयत के परिमाप का। अब इसी पे और फार्मूले बनते हैं, देखते हैं जो मुख हो गया हमारा उसके बाद देखिए इसी पे क्या बना। हमारा फार्मूला था परिमाप बराबर प्रकोष्ठ दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ये तय है। अब इसी से इसमें से एक दो तीन, ये तीन में से कोई अगर एक ज्ञात है तो हम उसमें से दो को अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया, मान लीजिए पूछा लंबाई, लंबाई के लिए क्या फॉर्म होगा, लंबाई बराबर होगा एक बटे दो परिमाप माइनस चौड़ाई। अगर चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई बराबर एक बटे दो परिमाप माइनस लंबाई। ठीक, ये हमारे फार्मूले हो गए। अब आइए इस पर सवाल देखते हैं, इन्हीं पर आधारित। अब सवाल है पहले क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एफ आई जी यू आर ई एस फिगर्स। जो नीचे पहला है नंबर एक पैंतीस एम पच्चीस एम
35 cm, 25 cm, ठीक, ए बी सी डी, ठीक है, ये चित्र है। एक हमारा क्या लगता है बताए, आयत में दो भुजा बराबर होती है, दो भुजा बराबर होती है, तो हमारा क्या हो गया, ये आयत है, ये क्या हो गया, देखने को क्या है, आयत है। अब आयत है इसके परिमाप का सूत्र थे, आयत का परिमाप बराबर होता है दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि लंबाई बराबर होती है चौड़ाई, तो इसलिए दो किया जाता है कि दो लंबाई हो जाएगी, दो चौड़ाई हो जाएगी। आइए देखते हैं, देखेंगे तो दो कोष्ठ में लंबाई कितना हो गई 35 cm, धन चौड़ाई कितना हो गई 25 cm, जोड़ दिए 60, ठीक, 5 × 5 = 10, 3 × 5 = 6, 60 cm गुणे 2 बराबर 60 × 120 cm, क्या हो गया हमारे परिमाप हो गया।